हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि थ्योरी टू प्रैक्टिकल की तरफ से स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे जो लोको पायलट बैच के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप बच्चों की वजह से थ्योरी टू प्रैक्टिकल ने अपना 750 बच्चों का लूप अपना कंप्लीट कर लिया है थ्योरी टू प्रैक्टिकल के पास। अब 750 बच्चे आपके बैच में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। अब थ्योरी टू प्रैक्टिकल के पास इतना बड़ा नेटवर्क है और लोको पायलट के अंदर थ्योरी टू प्रैक्टिकल इंडिया का अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन मीडियम से तैयारी करवा रहा है, ठीक है। तो हम आगे से आगे इस तरीके की कोशिश करते जा रहे हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है रेलवे लोको पायलट एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी ज़्यादा अच्छी हो, हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा पाएँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। इसके अलावा मैं और बच्चों को ये बता दूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो लेक्चर्स में या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, 8003378523 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या फिर आपको अगर कोई कंटेंट चाहिए या किसी तरीके का कोई मटेरियल चाहिए तो आप www.theorytopractical.com पे जाके आप वहां से सभी तरीके के वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और सभी तरीके के सेक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज का जो वीडियो है हमारा, ये हमारे लोको पायलट बैच के जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो आज वीडियो है हमारे, इस वीडियो में हमारे जो बहुत सारे लोको पायलट एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो लोको पायलट के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ लोको पायलट की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आए हैं। उन बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है हमारे इस वीडियो में, और उन बच्चों के साथ साथ और भी ऐसे बच्चे हैं जो लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर लोको पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास यहाँ एक मैसेज है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, वैकेंसी को लेके जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी कब आएगी, सर बता दीजिए, लोग जितने भी हमारे वीडियोस होते हैं उनमें जनरली कमेंट्स में ये देखने को मिलता है कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी कब आएगी, व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेजेस आते हैं सॉरी मेल हमारे पास आते रहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी को लेके क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि वैकेंसी तो नो डाउट आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वैकेंसी तो इस बार आनी ही आनी है। जैसा कि आप सबने देखा था, हमारा एक वीडियो भी था, ठीक है, बाकायदा न्यूज़पेपर में आया था कि RRB की 2.5 लाख वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, ये बाकायदा न्यूज़पेपर की कटिंग जब हमने आपको जो वीडियो था उसके अंदर दिखाई थी। तो मैं बच्चों को क्लियर कर दूं कि वैकेंसी तो आनी ही आनी है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे ये है कि RRB के जो डिफरेंट जोन्स हैं उनके अंदर बहुत ही काफ़ी सारे वैकेंट जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा वैकेंट है, ठीक है। अभी हाल ही में एक पीछे मीटिंग हुई थी RRB की, जिसके अंदर ये निकाला गया था कि RRB के पास हर जोन में, एक नहीं इनफैक्ट हर जोन के अंदर वैकेंसीज खूब ज़्यादा है, ठीक है। उसको भरने के लिए अभी क्या चल रहा है, उसको भरने के लिए आपकी RRB की जो नई वैकेंसीज आने वाली है वो उसके लिए आएगी। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि RRB के जो डिफरेंट जोन्स हैं, ठीक है, RRB के जो अलग अलग जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसके जो डिफरेंट जोन्स हैं, कहीं ना कहीं इनके आपसी तालमेल की आपसी जो इनका बीच का इनका तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कमी की वजह से ये वैकेंसीज आने में डिले हो रहा है, ठीक है। ये जो डिले है इसके पीछे रीज़न क्या है, RRB के डिफरेंट जोन्स की वजह से ये डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है या वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, बट इस डिले के पीछे यही रीज़न है कि RRB के जोन्स के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल कम है। जैसे ही ये इनका आपसी मैटर रिजॉल्व होता है वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। तो अभी आप ये मान के चलिए कि अगर आपके अगर आज आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ठीक है, अगर आज की डेट में, चाहे वो कोई भी डेट हो, अगर आज की डेट में रिलीज होता है तो आपके पास, आप ये मान के चलिए आपके पास 30 से
चार महीने होते एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो क्या आप इस लेवल पे हैं? आपने इतना तैयार कर लिया है अपने आप को, आप इतना मटेरियल पढ़ चुके हैं कि आप तीन से चार महीने में, आगे आने वाले तीन से चार महीने में अगर आज वैकेंसी आती है तो क्या आप पढ़ के आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? आपको ये जज करना है कि क्या आप आज इस स्टेज पे हैं कि आप इतना पढ़ के तीन से चार महीने में आप लोग पढ़ के क्या आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि वैकेंसी अगर आज आती है या फिर एक महीने बाद आती है, उसमें रीज़न क्या है, आपको एक महीना एक्स्ट्रा मिला है पढ़ने के लिए। आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना, आपका काम वैकेंसी निकालना नहीं है। वैकेंसी जब भी आएगी आपको फॉर्म डालना है और इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी तो आपकी आनी आनी है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं वैकेंसी को लेके कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है। जो लोको पायलट एस्पिरेंट्स हैं उनको एक स्पेशल बात और बता दूं कि वैकेंसी आनी है, ठीक है, बट ये जो चीज़ है, ठीक है, जो कंपटीशन का लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही लेवल राइज हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न दो मोटे मोटे रीजन्स है, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक तो एग्ज़ाम जो है वो आपका कितने साल बाद हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली तीन साल बाद में आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न तो इसके पीछे ये है कि तीन साल बाद एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन का लेवल बहुत हो गया, क्योंकि आपका जो कंपटीशन था वो सिर्फ उन बच्चों से नहीं है जो पिछले साल बैठे थे, इन तीन साल में जो बच्चे पास आउट हुए वो भी ALP का एग्ज़ाम देंगे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बच्चों में ALP को लेके अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ने का रीज़न क्या है कि एक तो रेलवे की जैसा कि आप सब जानते हैं रेलवे की नौकरी बहुत अच्छी होती है, अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, सैलरी एंड पर्क्स बहुत अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में ALP को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आप ये मान के चलिए कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ALP के अंदर एज कम्पेयर टू लास्ट चांस, ठीक है। जो आपका लास्ट चांस था, जिन बच्चों ने लास्ट चांस दिया उनसे मैं ये बोल दूं कि अगर आपने लास्ट चांस अटेम्प्ट किया था तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब बच्चों के साथ दिमाग में ये आएगी कि सर कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो इसके लिए क्या करना है, ठीक है। इसके लिए मैं बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आपको क्या करना है आपको देखो वीडियो लेक्चर्स तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको ये चीज जरूर बनानी है, ठीक है, एक्शन प्लान जरूर बनाना है। अब ये बच्चे पूछेंगे कि एक्शन प्लान क्या है, ठीक है, तो आप सब जिन बच्चों के पास ये कुंडली गणित बुक पहुंची है, ठीक है, उनको मैं ये बता दूं कि जैसे ही वो बुक खोलते हैं, ठीक है, वो बुक जैसे ही खोलते हैं तो इस बुक में ये पेज नंबर 17 पर आप देख पाएंगे, ठीक है, पेज नंबर 17 पे ये आपका सैंपल एक्शन प्लान है, ठीक है, ये आपको बनाना है। इसमें अब बच्चों को, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा भी है उनको नहीं समझ में आया कि सर एक्शन प्लान क्या है, तो मैं उनको ये बता दूं कि इसमें सेक्शन दिया हुआ है व्हाट, हाउ एंड When, ये तीन सेक्शन है। तीन सेक्शन में सबसे पहले है वीक टॉपिक्स, ठीक है, वीक टू स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट आउट करना है, वीक टू स्ट्रॉन्ग बनाना है, कब बनाएंगे वो टाइम ड्यूरेशन इसमें मेंशन करना है। उसके बाद इसमें सेकंड जो सेक्शन आता है वो आता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ये क्या आएगा, डिफिकल्ट टू इजी, और उसके बाद में तीसरा वेन। फिर जिन बच्चों का कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये पॉइंट है कि स्लो कैलकुलेशन स्पीड, और इसमें क्या है, स्लो टू फास्ट,
ठीक है। और उसके बाद में लास्ट जो आता है वो आता है नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड। तो ये आपका जो है ये एक्शन प्लान है। अब आपको इसको यूज किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है वीक टॉपिक्स, आपको अपने वीक टॉपिक्स लिस्ट आउट करने, वीक टू स्ट्रॉन्ग बनाने, कब तक बनाएंगे ये आपको डिटर्मिनेशन करना है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर 3 से 4 महीने का टाइम जो है आपका आज की डेट में आता है और 3 से 4 महीने का टाइम है, तो वो आपको ऐसे रिकवर करना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको तकलीफ होती है या फिर आपको मुश्किल होती है, ठीक है, उसको डिफिकल्ट टू ईजी करना है। कब करना है वो स्लो कैलकुलेशन स्पीड, बहुत ही ज्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैलकुलेशन स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, तो उसको किस तरीके से फास्ट करना है, स्लो टू फास्ट। और उसके बाद ये आता है नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड। तो वीकली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा एक्शन प्लान रहेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो वीडियो लेक्चर्स की अपन बात कर रहे थे, ठीक है, कि वीडियो लेक्चर्स जिन बच्चों के पास है, इसीलिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की बात की गई थी इसमें, कि जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन बच्चों के पास वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी है, उनको वीडियो लेक्चर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि वो अपने साथ में पेन पेपर लेके बैठे, ठीक है। जो वीडियो लेक्चर्स है उनको वो एकदम स्टोरी की तरह या फिर किसी कथा या भजन की तरह ना सुने, अपना पेन पेपर उसके साथ में लेके बैठे। उससे फायदा क्या होगा, जब आप पेन पेपर लेके बैठे हैं उसको, तो आप क्या करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है, जो चीजें आपको आती है उनको आप लिस्ट आउट ना करें, जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है और ये मुझे नहीं आती है, उन चीजों के आप नोट्स बनाएं। तो आपको करना क्या होगा, जो वीडियो लेक्चर्स में जो आप चीजें पढ़ रहे हैं विजुलाइज करके, ठीक है, उन चीजों के साथ साथ आप उसके हैंडआउट्स भी बना रहे हो। और ये हैंडआउट्स आपके कब काम आएंगे, ये हैंडआउट्स आपके काम में आएंगे एग्जाम में, क्योंकि जो चीजें आती थी वो तो आपको ऑलरेडी आती हैं, जो चीजें नहीं आती है उनके आपने हैंडआउट्स बना लिए और ये हैंडआउट्स आपको काम में आएंगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, जो आपकी टेस्ट सीरीज आपको जो ज्वाइन करवाई गई है, ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है ये टेस्ट सीरीज एक्टिव करवा दी जाएगी, मतलब आपको 5 टेस्ट पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उससे आपको क्या करना है, अपने आप को क्रैक माय एग्जाम के नाम से जो हमारा ऐप है, ठीक है, उस पर अपने आप को रजिस्टर करना है और उस पर आपको ये जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने वाले हम लोग, वो आपको टेस्ट सीरीज देनी है। तब तक के लिए बच्चों मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप अपना जो प्रैक्टिस है चीजों को लेके, वो प्रैक्टिस चालू रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस से क्या होगा, प्रैक्टिस से आपका एक तो परफेक्शन आएगा, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, स्पीड आपका बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं आपका ये कॉन्फिडेंस भी बनेगा और कॉन्फिडेंस जैसे ही बनता है आप एग्जाम में खेल जाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए, चीजों को समझते रहिए और वैकेंसीज और नोटिफिकेशन पे हल्ला ना करिए, ठीक है। जितना लेट नोटिफिकेशन आ रहा है बेनिफिट आपके लिए ही है, आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, ठीक है, आपको चीजें रिमेंबर करने के लिए टाइम मिल रहा है, चीजें रिवाइज कीजिए, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोबारा से रिवाइज कीजिए। वीडियो लेक्चर्स जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर वीडियो लेक्चर्स कौन कौन से आ गए, तो एक बार वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, वहां पे आपको पूरा का पूरा कैटलॉग मिलेगा कि कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स आ गए। ALP का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, टेक्निकल पूरा का पूरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, GS कंप्लीटेड है, मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्लीटेड है, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट अपलोड हो चुका है। तो एक बार वेबसाइट पे जाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और जैसा कि हम और आप मिलके मेहनत कर रहे हैं आप सक्सेसफुल होते हैं, तो आप अपने नाम के साथ साथ आप हमारा नाम भी ऊंचा कर रहे हैं और अपने फैमिली का नाम भी
ऊंचा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको एग्ज़ाम की वैकेंसीज को लेके मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस चीज़ पे जोर नहीं देना है कि सर वैकेंसी कब आ रही है, आपको जोर किस चीज़ पे देना है कि मैंने कितना पढ़ लिया है। उन चीज़ों को लेके आप सीरियस रहिए, एग्ज़ाम को लेके सीरियस रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसा कि आप सबको पता है आपको डिस्कस कहाँ करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्कशन चल रहे हैं आपके ऑलरेडी, उनको थोड़ा सीरियसली लीजिए। उनमें जो बच्चे एक्टिव हैं, हाँ, ये चीज़ एक और है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन है उसमें बहुत कम लोग एक्टिव हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप में। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोग डिस्कस करते हैं, और सिर्फ कुछ ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो उसका आंसर निकालने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन को सीरियसली लीजिए, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ रखिए और जो लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करते रहिए। बाकी स्टूडेंट्स वैकेंसीज़ की चिंता ना करते हुए आप अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। आपके पास अभी जो आपको टाइम मिल रहा है ये बोनस टाइम है, क्योंकि वैकेंसीज़ अभी तक जैसा RRB के नोटिफिकेशन देखते रहे, RRB की न्यूज़ हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे नोटिफिकेशन अब तक आ जाने चाहिए थे। अब जो आपको इसके बाद में जो टाइम मिल रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बोनस टाइम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने दी उससे कहीं ना कहीं आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। मुझे पता है आप लोगों को नोटिफिकेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार है, एज वेल एज ऑफ दैट हम लोग भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आए और कब वैकेंसीज निकले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए कि वैकेंसीज आई कब आएगी, कब अब तक क्यों नहीं आई, इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए, उन रूमर्स पे ध्यान ना देते हुए, जैसा कि अभी पिछले दिन कुछ दिनों पहले रूमर्स सुनने को मिले थे कि RRB ने वैकेंसी कैंसिल कर दी, बट ऐसा कुछ ऑफिशियली अभी तक कुछ रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसी रूमर्स पे ध्यान ना देते हुए आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, अपना हार्डवर्क अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी हार्डवर्क करते रहिए और नो डाउट आप लोग सक्सेसफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।